hello everyone you are watching video on hibernate this is the lecture number 12 on hibernate in this video we will discuss restriction in criteria or we can say how to write where condition in criteria so let us get started now uh, very first we'll discuss how to write the uh, where condition in your uh, criteria स so तो जो है वह सभी मैथड इंक्लूड करता है जिनको यूज करके आप वेयर uh, कंडीशन लिख सकते हो यानी वेयर कंडीशन में हम कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं इक्वल ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर बिटवीन ऑपरेटर इन लाइक एंड मेनी अदर सो जो भी वेयर कंडीशन में ऑपरेटर्स आप यूज करते हो उन ऑपरेटर्स के करस्पॉन्डिंग रिस्ट्रिक्शन इंटरफेस जो है वो मेथड प्रोवाइड करेगा और वो मेथड कॉल करके हम क्या करेंगे uh, वेयर कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखे भी है इक्वल के लिए इ क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जी लेस देन इक्वल टू के लिए एल इ एंड के लिए एंड मेथड और के लिए और मेथड बिटवीन के लिए बिटवीन मेथड इन के लिए इन मेथड लाइक के लिए और बाकी भी ऑपरेटर्स के लिए इसमें मेथड प्रोवाइड की गई है ओके सो वेयर कंडीशन लिखने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन के मेथड कॉल करेंगे उसके बाद में इस वेयर कंडीशन को यानी रेस्ट्रिक्शन के थ्रू हमने जो वेयर कंडीशन लिखी हुई है उसको हमें क्राइटेरिया में एड करना पड़ता है टेस्ट करना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन इज एडेड इन क्राइटेरिया बाय कॉलिंग इट्स एड मेथड यानी क्राइटेरिया में एक मेथड है एड मेथड एड मेथड को यूज करके ये रिस्ट्रिक्शंस की कंडीशन को हम क्राइटेरिया में एड ऑन करेंगे सो लेटेस्ट डिस्कस दिस थिंग प्रोग्रामेटिकली नाउ फाइन सो लेटेस्ट सपोज यहाँ पे हमारे पास में ई टेबल है ये ईएमपी टेबल एम्प्लाई बीन एट ए है अब इस एम्प्लाई टेबल या ईएमपी टेबल के मान के चलिए कि हमें आईटी डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट कॉलम है उसमें आईटी वैल्यू है तो आईटी डिपार्टमेंट के सभी रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें वेयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये वेयर कंडीशन हम क्राइटेरिया को यूज करके कैसे लिखेंगे वो डिस्कस करें सो ओपन द एक्लिप्स नाउ सो यहां पर हाइबरनेट का जो प्रोजेक्ट है आ, प्री क्रिएटेड हाइबरनेट प्रोजेक्ट में यूज करूंगा और प्री रिटर्न हाइबरनेट कोड में यूज कर रहा हूँ बीन वगैरह सी एफ जी वगैरह सब बने हुए हैं हाइबरनेट का कोड जो मेन मेथड में लिखते हैं वो भी लिखा हुआ है हम डायरेक्टली क्राइटेरिया पे आते हैं तो सबसे पहले क्राइटेरिया का गेट कर लें उसके लिए लिखे ही इक्वल एस डॉट क्रिएट क्राइटेरिया बीन नेम employee डॉट क्लास तो यहाँ पर हमने एम्प्लाई बीन पे क्राइटेरिया का गेट किया अब हम हमें यदि यहां पे वेयर कंडीशन लिखना है तो उसके लिए आप क्राइटेरिया की एड मेथड कॉल करोगे एंड देन कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए इस एड मेथड को रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू कंडीशन प्रोवाइड करोगे तो मैंने लिखा यहाँ पे एड मेथड में एज ए रेस्ट्रिक्शंस डॉट लेटेस्ट से इक्वल हमें आई टी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है सो इक्वल एंड देन बीन प्रॉपर्टी दैट इज डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट की वैल्यू जहां पे आई टी है वो रिकॉर्ड हमें सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैंने आई टी लिख दिया ओके okay? सो so, ये क्वेरी क्रिएट हो गया नाउ क्वेरी की वैल्यू गेट करने के लिए लिखें लिस्ट ऑफ एम्प्लाई एल एस टी इक्वल क्यू डॉट लिस्ट सो जो भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिकॉर्ड्स होंगे वो एज ए लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे अब इस लिस्ट की बिल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए हम ऑरिज मेथड कॉल कर लें यहाँ पे लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा लें बिफोर रनिंग द प्रोग्राम एक बार फिर से हम डिस्कस कर लें कि हमने वेयर कंडीशन कैसे लिखा तो सबसे पहले हमने बीन के ऊपर क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट गेट किया देन क्राइटेरिया का एड मेथड तो कॉल करा और वेयर कंडीशन लिखने के लिए हमने रेस्ट्रिक्शन का इक्वल मेथड तो कॉल किया जिसमें हमने लिख दिया है बीन प्रॉपर्टी नेम डिपार्टमेंट और उसकी वैल्यू आई तो क्वेरी हो जाएगी यहाँ पे जस्ट लाइक येरी सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉ व्यर डिपार्टमेंट इक्वल आई टी ओके

इसी तरीके से आप वेयर कंडीशन में जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्शंस की मेथड को कॉल करके क्वेरीज लिख सकते हो चलो तो एक आध क्वेरी और लिख के मैं बता दूं बाकी आप कॉल करोगे सो लेटेस्ट सपोज हमें आईटी और सीएस एस दोनों डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं तो क्वेरी कैसे क्या होगा उसमें और ऑपरेटर भी यूज करना पड़ेगा है ना वेयर कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा वेयर डिपार्टमेंट इक्वल आई और डिपार्टमेंट इक्वल सी फाइन तो ये क्वेरी कैसे क्या लिखेंगे यूजिंग क्राइटेरिया वो भी हम देख लें तो इसी में हम चेंज करेंगे क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट हमने गेट किया हुआ है एक रिस्ट्रिक्शंस में अब देखें पे कैसे क्या लिखना है सो so, ये लाइन में फिर से लिख रहा हूं क्यू डॉट एड एंड देन रेस्ट्रिक्शंस डॉट और ऑपरेटर यूज करना है तो और अब और में हमें दो कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट एंड और ऑपरेटर के पहले के लिए एंड देन और ऑपरेटर के बाद के लिए सो लेटस्ट राइट टू कंडीशन हियर यूजिंग रिस्ट्रिक्शंस ओनली सो रेस्ट्रिक्शंस डॉट इक्वल एंड इन इक्वल बीन प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट इट्स वैल्यू आई एंड देन कॉमा वन मोर कंडीशन कॉमा सेपरेटेड यहाँ कंडीशन प्रोवाइड करना है रेस्ट्रिक्शन डॉट अगेन इक्वल एंड देन डीपीटी इक्वल आई टी है ना तो जो भी आपको यहाँ पे और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर यूज करना है वो कर सकते हो एंड देन कंडीशन कैन बी गिवन फाइन तो यहाँ मैंने और ऑपरेटर यूज किया हुआ है तो ये क्वेरी कुछ इस तरीके से हो जाएगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल आई टी और

ये देखो बराबर आपका और ऑपरेटर यूज हो गया है है ना एंड रिकॉर्ड्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंगली है ना दोनों डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे बराबर ये देखो आईटी डिपार्टमेंट और सीएस डिपार्टमेंट दोनों के रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट होके गए फाइन सो इस तरीके से आप uh, किसी भी ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्शंस के मेथड को कॉल करके वेयर कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो ओके okay? क्राइटेरिया में आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो